एक्सरवेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार एक बार फिर से फाइनेंस न्यूज के साथ। लेकिन पहले बात करते हैं, कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो संबोधन दिया था उसमें कहा कि 21 दिन 21 डेज का लॉकडाउन, 21 नंबर ऐसे भी हमारे कहते हैं कि एक शगुन का नंबर होता है 21 डेज, तो ये एक अच्छा है। क्योंकि अच्छा है क्योंकि कोरोना वायरस की जो स्पीड थी वो बढ़े ना, उसके रोकने के लिए ये कोशिश एक प्रयास किया गया। इसमें सबकी सहमति और योगदान की ज़रूरत है। हम घर में रहें, खुद भी अच्छा रहें, सेफ़ रहें और लोगों को भी सेफ़ रखें। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं। कहा जा रहा है बहुत से ऐसे ट्रक्स हैं जो कि गुड से और बहुत तरह के सामान से लदे हुए वो एज इट इज़ कहीं खड़े हो गए हैं। तो इसके लिए हो सकता है गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी लेके आए किसी तरह की, उसकी रियायत दे। खैर, इसके अलावा जो सबसे बड़ा चैलेंज अभी गवर्नमेंट के सामने है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को मेंटेन करना, जो रोजमर्रा की जरूरत है उसको। वहां पे गवर्नमेंट ने कहा कि हर स्टेट में एक वॉर रूम बनाए ताकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ठीक रखा जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट इस पे बहुत सीरियसली काम कर रही होगी और आने वाले दिन में आपको रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें उस पर प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं मार्केट की बात करता हूं। सेंसेक्स 477 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी 139 पॉइंट ऊपर है, यानी अगर मैं बात करूं तो दोनों आज ग्रीन में है। अच्छी बात है, मैं उम्मीद करूं कि यही ऐसा चलता रहे, ये बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन इसका जो रीजन बताया जा रहा है, कल यूएस मार्केट बहुत अप रहा, 11% अप्रत्याशित। 1933 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएस गवर्नमेंट, यूएस मार्केट इस तरह से ऊंचा रहा है। इसके लिए कहा जा रहा है कि फेड ने बहुत तरह की जो पैकेजेस अनाउंस किए हो उसको देख के मार्केट इस तरह का रिस्पॉन्स कर रहा है। साथ के साथ कल सेनेट ने 2 ट्रिलियन का सर्वाइवल पैकेज भी अप्रूव कर दिया। 2 ट्रिलियन US डॉलर, आप कह सकते हैं बहुत बड़ी राशि है, जिसमें बहुत तरह के पैकेजेस कॉरपोरेट्स को हो, SME को हैं, इंडिविजुअल लोगों को हैं, बहुत तरह की बेनिफिट देने की बात की जा रही है। क्या कि ये बहुत बड़ी ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस था उनके लिए, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा ये स्टेप लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत सरकार भी बहुत जल्दी इस पर कुछ ना कुछ सोच के लाएगी। अब हम बात करते हैं, इंडियन IT कंपनी के CEOs ने कहा है कि देखिए ये तो बहुत आसान है घर से काम करना, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो घर पे रह के नहीं हो सकती है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं कि सारा काम IT कंपनी के घर से हो जाए। इधर फेसबुक ने एक स्टेप आगे बढ़ते हुए जियो में 10% की हिस्सेदारी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि COVID-19 की वजह से उनका डिले हो गया, नहीं तो अभी तक ये 10% का स्टॉक एक्विजिशन हो चुका होता है। एक अच्छी बात है, इस सिनारियो में कुछ इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। फ्लिपकार्ट ने कल रात से, यानी ट्यूसडे नाइट से, किसी भी तरह के ऑर्डर लेने से मना कर दिया। अभी वो किसी भी तरह का ऑर्डर नहीं लेने वाले हैं कुछ दिनों के लिए, कब तक ये भी उन्होंने घोषित नहीं किया, कोई टाइमलाइन नहीं बताया, क्योंकि आप देख रहे कर्फ्यू लगा हुआ है इंडिया में, तो अभी कुछ हो भी नहीं सकता है। इधर बैंकों की परेशानी बढ़ गई है, वो डर रहे हैं कि बहुत तरह की जो बिल्स हैं, EMIs हैं, लोन्स हैं, वो कहीं MSE जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो पे ना करें। ये अगर आप मेरे ट्वीट पे जाते हैं, अगर वहाँ पे देखें, तो मैंने 6 दिन पहले ये बात की प्रेडिक्शन की थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट को, कि ये प्रॉब्लम आने वाली है। जब आप लॉकडाउन कर रहे हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो इस बेसिक चीज़ों पे बहुत जोर पड़ेगी, क्योंकि जो इंडस्ट्री हैं उनको हो सकता है ODE लिमिट चल रहा हो, EMI चल रहा है, तो गवर्नमेंट को इसमें देखने की ज़रूरत थी। मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल मानना है, कि गवर्नमेंट इसको 60 डेज के लिए डेफर कर दे और इसको टोटल आउटस्टैंडिंग में ऐड कर दे। वेवर करने की ज़रूरत नहीं, इससे टाइम हो जाएगा। एक तो NPA की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे NPA की भी प्रॉब्लम होगी अगर 90 डेज में अमाउंट पेमेंट नहीं होता है, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे स्टेप लेने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ जो फाइनेंशियल किसी भी तरह के जो रिलीफ दी जाएंगे वहाँ पे इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सोचने की कोशिश करेगी कि ये चीज़ को ध्यान में रखें। इधर चाइना से भी कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही है कि जहाँ सारी दुनिया के प्रोडक्शन बंद है, चाइना का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। आप कह सकते हैं कि उन्होंने कोरोना वायरस पर बहुत हद तक अपनी लड़ाई जीत ली है। उन्होंने लॉकडाउन किया, जो इंडिया में शायद उसी को देखते हुए ये चीज़ की गई कि लॉकडाउन की नंबर ना भरें। सारी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग रुकी हुई है, लेकिन चाइना ने अपना मैन्युफैक्चरिंग एक स्टेप आगे बढ़ते हुए उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि फुल फंक्शन में हम कुछ दिन में आ जाएंगे। इधर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टूरिज्म, इधर होटल इंडस्ट्री ने कहा है कि वो अपनी स्टाफ की सैलरी में कटौती करेंगे। साथ के साथ दो टूर एंड ट्रेवल स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने एक चीज़ अच्छी कही है कि हम टू डिजिट की जो ग्रोथ है वो बना के रखेंगे। लेकिन हमारे साथ चैलेंजेस क्या हैं कि कोरोना वायरस की वजह से जो ट्रेवल में बैन लगा है, साथ के साथ जो कैंसिलेशन हो रहा है, वो हमारे लिए थोड़ी बड़ी परेशानी है। लेकिन उनका कहना है कि एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, हम इससे सॉर्ट आउट करके निकल जाएंगे और हमारा जो ग्रोथ होगा
डबल डिजिट का हो। मैं भी उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ कुछ ना कुछ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट देने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा झटका है। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये कोशिश करनी चाहिए कि जो कैश फ्लो है उसकी प्रॉब्लम ना हो। अगर कैश फ्लो की प्रॉब्लम होती है तो बहुत नंबर बड़े नंबर में MSME हैं इंडिया में, अगर उन पर इम्पैक्ट आता है तो इसका सीधा सीधा इकोनॉमी और जॉब पर इसकी प्रॉब्लम आएगी। तो आज के लिए इतना ही, शाम के बुलेटिन के साथ हम फिर हाजिर होंगे फाइनेंशियल न्यूज़ के साथ। और हम उम्मीद करते हैं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, हम OTT पे हर जगह अवेलेबल हैं, हमारा ऐप टैक्स फॉर वेल्थ के नाम से भी है, आप कहीं जाके हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।